सो गाइस, आप में से गाइजर बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनको गाइजर फ्री फायर या फिर गेमिंग पे अपना ई-स्पोर्ट्स करियर बनाना होगा, ठीक है। ये बात गाइजर आप लोगों को पता ही होगी। तो गाइज, आज मैं ई-स्पोर्ट्स वालों के लिए ना इतनी बड़ी न्यूज लेकर आया हूँ ना, जिसको देखकर सच बता रहा हूँ आप लोगों को खून के आंसू आ जाएंगे लिटरली, ठीक है गाइज। मतलब इंडिया गाइजर एक ऐसा गेम है ना जहाँ पर ई-स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, ठीक है। मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है कि वो टीवी में स्टार स्पोर्ट्स में आने वाला है। मतलब आप लोग सोच सकते हो, जो आप लोग टूर्नामेंट खेलोगे वो टेलीविजन पे आएगा स्टार स्पोर्ट्स वाले चैनल में, जिसमें क्रिकेट फुटबॉल ये सब आते हैं, ठीक। मतलब जब मेरे को पता लगा कि भाई वो गेम आने वाला है, मतलब लिटरली मैंने सोचा कि भाई क्या ही ई-स्पोर्ट्स बढ़ चुका है, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोग से भी शेयर करता हूँ वो कौन सा गेम है और उसमें क्या सीन होने वाला है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को गाइस यार पूरा देख लेना। आज के इस वीडियो में गाइस यार हम लोग कुछ अपडेट्स के बारे में तो बात करेंगे, बट गाइस इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि फ्री फायर प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब गाइस यार आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये कौन से गेम की बात कर रहा है, तो गाइस आप लोग का फ्री फायर का जो सबसे बड़ा कंपटीटर गेम है BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया PUBG के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली गाइस आप लोग सोच रहे हो कि भाई PUBG में ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, अभी ना PUBG जो आपका गेम है ना उसका एक टूर्नामेंट होने वाला है, ठीक है। और वो जो टूर्नामेंट है ना वो मैं आप लोगों को बता दूं, पता है कौन सा चैनल होस्ट कर रहा है आप लोगों का, स्टार स्पोर्ट्स और नोडविन गेमिंग के गाइस दो चैनल है, तो बेसिकली वो होस्ट कर रही है, ठीक है। मतलब स्टार स्पोर्ट्स वाले आप लोग का जो स्टार स्पोर्ट्स चैनल है यार, सोच सकते हो जो टीवी में आता है वो उसमें आएंगे PUBG के सारे प्लेयर। मतलब गाइस आप लोग सोच सकते हो PUBG कितना अपने प्लेयर का ध्यान देता है, मतलब कितने ई स्पोर्ट्स का ध्यान देता है, ठीक है। और वहीं हमारा फ्री फायर देख लो भाई, यूट्यूब में दिखाते हैं हमारे फ्री फायर के ई स्पोर्ट्स को, ठीक है। और ये देखो गाइस, इनका प्राइस पूल पता है कितना है, 2 से 3 करोड़ रुपए का गाइस प्राइस पूल है जो इन लोग के स्टार स्पोर्ट्स चैनल में आने वाला है टूर्नामेंट, ठीक है। और ये तो बस क्लाइमैक्स है, अभी मैं आप लोग को और भी चीज बताऊंगा। उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गाइस यार क्या आप फ्री फायर गेम खेल के फ्री रिवॉर्ड्स जीतना चाहते हो, तो डाउनलोड करो IMBR ऐप। ये ऐप इंडिया का नंबर 1 ऐप है बैटल रॉयल प्लेयर्स के लिए। इस ऐप में आप लोग अपने सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो डेली गेम्स खेल के, और MVP बनकर वीकली बैटल ग्राउंड में टॉप प्लेयर बन सकते हो अपने सिटी का। और जैसे ही तुम लोग टॉप प्लेयर बन जाओगे तो उसके बाद तुम लोग अपना स्टेटस को शेयर भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ भी कर सकते हो उनको दिखा के। IMBR यूज करना बहुत ही सिंपल है, जब आप लोग गेम प्ले करोगे तो IMBR आप लोग का जो गेम प्ले है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के बदले तुम लोग को मिलेगा स्क्रैच कार्ड्स, और उस स्क्रैच कार्ड से तुम लोग बहुत कुछ एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर से Amazon का गिफ्ट कार्ड ले सकते हो, उसके साथ साथ हेडफोन मोबाइल फोन और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स आप लोग यहाँ पर देखेंगे। इसकी एक और खास बात है कि इसकी जो रिवॉर्ड्स है डेली रिप्लेस होते रहते हैं, अलग अलग रिवॉर्ड्स आते रहते हैं। तो देर किस बात की यार, ज्वाइन करो IMBR एप्लीकेशन जहां पर 7 लाख से ज्यादा प्लेयर एक्टिव है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली आप लोग सोच सकते हो ये टूर्नामेंट है 2 से 3 करोड़ रुपए का टूर्नामेंट होने वाला है। मतलब जो बंदा जीतेगा उसके जो लाइफ पूरी एक ही बार में सेट हो जाएगी, मतलब जो भी टीम जीतेगी, ठीक है। मतलब यार आपको पता है कि इंडिया कंट्री में यार 1-2 करोड़ रुपए भी बहुत होते हैं, मतलब एक बंदा अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है 1 करोड़ रुपए में, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो कितना ही लोग ई-स्पोर्ट्स में ध्यान देते हैं। और वहीं हमारा ई-स्पोर्ट्स तो भाई अलग लेवल है, मतलब कभी होता है और ई-स्पोर्ट्स होता भी तो उसमें स्कैम हो जाता है। अज्जू भाई की टीम हमेशा दिखती है हमेशा टूर्नामेंट में, या फिर बस बड़े बड़े यूट्यूबर्स की ही टीम दिखती है और वही खेलती है, हर बार वही टीम होती है, क्या ही बोल सकते हैं। मुझे क्या सबसे बुरा ये लगता है, मतलब आपने देखा होगा बस यूट्यूबर्स की टीम ही हमारे फ्री फायर के स्पोर्ट्स में खेलती है, चाहे वो गंदे हो कैसे भी हो, उनको 100-100 बार खिला देंगे लेकिन नॉर्मल प्लेयर को कभी चांस नहीं देंगे। जो बेचारे हम जैसे प्लेयर्स होंगे, जो नए नए होते हैं, मतलब जिनका कोई चैनल नहीं होता, जिनके पास कुछ सोर्स नहीं होता, उनको कोई मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। बस अगर आपकी पहचान है, आप बड़े यूट्यूबर्स के दोस्त हो, तो आप लोग स्पोर्ट्स खेलो और मजे करो। तो मुझे सबसे बुरा गाइस यार फ्री फायर का ये लगता है, ठीक है। मतलब यार फ्री फायर में बहुत सारे ऐसे राइज स्टार है ना जो अभी तक निकले नहीं है, मतलब हमारे जो इंडिया कम्युनिटी में उसमें बहुत सारे राइज स्टार जैसे प्लेयर है लेकिन उन बिचारों को मौका ही नहीं मिलता। जैसे राइज स्टार भाई को क्या हुआ कि ज्ञान भाई ने, मतलब ज्ञान भाई के दोस्त थे वो, तो उनका क्या हुआ कि वो लाइव स्ट्रीम में खेलते थे तो वहाँ से फेमस हो गए, ठीक है। लेकिन सबके कोई यूट्यूबर दोस्त नहीं होते, ठीक है। तो हमारे इसमें बहुत सारे राइज स्टार है हमारे इंडिया कंट्री में भी, बच्चे मैंने देखा है गाइस इतना मस्त खेलते हैं ना मेरे खुद कॉन्टैक्ट में, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो इतना तगड़ा खेलते हैं, सच बता रहा हूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं होता गेम प्ले देख के। तो टैलेंट तो है बट क्या करें, ये जो यूट्यूबर्स लोग हैं ये लोग मतलब अपना ही बारे में सोचते हैं और क्या ही बोल सकते हैं यार, मेरे को गाइस ये गंदा लगता है। और मेन बात है कि इसमें फ्री फायर भी इनका अच्छा खासा साथ देता है, मतलब फ्री फायर भी इन्हीं की टीम को लाता है, पता नहीं इनको फ्री फायर वाले अच्छे प्रमोट कर देते हैं फ्री फायर को अच्छे से, तो फ्री फायर वाले खुश हो जाते हैं और फ्री फायर वाले इन लोग को टूर्नामेंट में ला देते हैं। भाई कैसा भी खेलो, लोग नूब जैसा खेलेंगे, नूब को भी ले लेंगे, किसी को भी ले लेंगे, ठीक है, बट अच्छे प्लेयर्स को नहीं लेंगे, अच्छे टैलेंट्स को नहीं लेंगे। तो मुझे गाइस ये बुरा लगता है, ठीक है। तो यही गाइस मेरे को बताना था कि आप सोच सकते हो, चलो
मेरे को गाइजर एक बात ही खुशी है कि कुछ तो इंडिया में ई-स्पोर्ट्स आगे बढ़ा, ठीक है, भले ही BGMI का बढ़ा, ठीक है, पबजी का बढ़ा, लेकिन किसी का तो बढ़ा, ठीक है, हमारे फ्री फायर का भी कभी आएगा शायद चांस, मैं चाहता हूँ गाइस आए तो बट है, लेकिन ऐसा रहे कि लोग फेयर टूर्नामेंट करे, मतलब अनफेयर ना करे कि बस यूट्यूबर की टीम को ना घुसा दे, मतलब मैं चाहता हूँ फ्री फायर में टूर्नामेंट्स आए और ऐसा टूर्नामेंट्स भी हो, हम भी खेलना चाहते हैं बड़े बड़े उसमें, बट ऐसा हो कि मतलब इन लोग स्कैम ना करें, मतलब टीम के साथ, मतलब जो मेहनत कर रहा है उस बंदे को मेरे हिसाब से गाइस यार उसमें होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग बताओ कि क्या होना चाहिए और आपको कि मेरी बात सही लगती है कि नहीं, मतलब यार ये फ्री फायर वाले ऐसा करते हैं, मुझे कमेंट में बताना। मुझे पता है सब लोग सही बोलेंगे क्योंकि मैं खुद फेंक के तो बोल नहीं रहा हूँ, आपने खुद ही देखा होगा कि बस बड़े बड़े यूट्यूबर्स की टीम ही आती है हर टूर्नामेंट में, आप जाके देख लो, आप जाके पुरानी लाइव स्ट्रीम भी देख लो, आप लोगों को सारे बस यूट्यूबर्स की टीम दिखेगी वहाँ पर, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की। तो यही है गाइस, बाकी क्या ही बोल सकते हैं। अभी गाइस हम लोग कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, मतलब थोड़ा यार अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस पहला जो अपडेट है ना वो गाइस बेसिकली हमारे गेम के अंदर आने वाले रैम्पेज के फिस्ट इवेंट्स है। तो गाइस आप लोग को पता है रैम्पेज का एक फिस्ट आने वाला है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर गाइस रैम्पेज का फिस्ट का पोस्टर आ चुका है। और गाइस मैं आप लोग को बता दूं रैम्पेज का ये जो वाला फिस्ट है जिसमें बेसिकली दो कलर टाइप थोड़े से मिक्स है, एक तो आग का कलर और एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक वाला जो मतलब ब्लू कलर का होता है, मतलब बेसिकली दोनों पावरफुल वाले जो कलर वाले मतलब जो पावर के वो होते हैं, तो बेसिकली वैसा टाइप का दोनों कलर का कॉम्बिनेशन का ये फिस्ट आने वाला है, ये बात आपको पता ही होगी। तो बेसिकली ये जल्दी गाइजर आप लोग को हमारे गेम के अंदर दिखने वाला है कोई इवेंट में, और ये कंफर्म हो चुका है, मतलब आप लोग को 5 से 6 दिन के अंदर फिस्ट का कोई इवेंट दिख जाएगा हमारे गेम के अंदर, और बेसिकली गाइस इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा लूटा जाएगा, लिटरली बहुत बहुत बहुत, ठीक है। तो पहला जो अपडेट है वो हमारे फिस्ट से है। अब बात कर लेते हैं गाइजर अगले अपडेट के बारे में, बात करते हैं गाइजर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट गाइजर बेसिकली हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट हाउ इवेंट है। तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं हमारे गेम पे गाइजर जो नेक्स्ट हाउ इवेंट आने वाला है वो बेसिकली एक रैम्पेज इवेंट में बेस्ट ऑफ इवेंट आने वाला है, और बहुत सारे सर्वर पे मैं आपको बता दूं रैम्पेज के इवेंट में हाइपर बुक मिल रहा है। तो आप लोग को पता होगा, आपने देखा होगा कि गेम पे एक रैम्पेज का हाइपर बुक है, तो बेसिकली वो टॉप इवेंट में आ रहा है, मतलब पता नहीं लिटरली ये कैसा इवेंट है बट बाहर के सर्वर पे ये टॉप इवेंट में आ रहा है, और एक डायमंड के टॉप में आप लोगों को पूरा हाइपर बुक मिल जा रहा है। अब उस हाइपर बुक के अंदर इतने सारे रिवॉर्ड्स हैं, तो क्या वो हाइपर बुक के पूरे रिवॉर्ड्स हम लोग को मिलेंगे, मतलब क्या सीन है पता नहीं, बट एक डायमंड में गाइस हाइपर बुक मिल रहा है बाहर के सर्वर पे, ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हो। और गाइस कहा जा रहा है कि हमारे सर्वर पे भी आएगा, अब ये आ भी सकता है क्योंकि देखो बेसिकली होता क्या है ना, जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो उसके रिवॉर्ड्स इतने ज़्यादा गिरने वाले चेंज नहीं करते, जैसे एनिवर्सरी हो गया, रैम्पेज भी आपको पता है बहुत बड़ा इवेंट है, अभी का इवेंट नहीं है, बहुत पुराना इवेंट है, मतलब जब फ्री फायर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम का इवेंट है, तो रैम्पेज एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है फ्री फायर में। तो बेसिकली देखते हैं अब क्या होता है, गिरने वाले क्या करते हैं, बट भारी सौ रुपये एक डायमंड के टॉप में हाइपर बुक आ रहा है, और हमारे सौ रुपये भी कहा जा रहा है आ सकता है, ठीक है। अब गाइजर बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, मतलब बेसिकली गाइजर आप लोगों को पता है कल गाइजर हमारा रैम्पेज का इवेंट स्टार्ट हुआ था, कल 17 तारीख थी, ठीक है। अब 17 तारीख को बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं गेम पे बहुत सारे इवेंट्स आए हैं, उनमें से गाइजर एक इवेंट भी आया है, बेसिकली वो कौन सा इवेंट आया जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं 17 जून से 3 जुलाई तक एक इवेंट चल रहा है, जिसमें बेसिकली आप लोगों को एक रेड टोकन भी मिल रहा है, और उसमें आप लोगों को इंक्यूबेटर वाउचर ऐसे कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो रेड टोकन है ना बेसिकली आपको गेम खेलने सब कुछ मिल रहा है बहुत सारों को, लेकिन मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट आ रहा था कि भाई ये रेड टोकन हम यूज किस में करें, पता नहीं लग रहा है बहुत सारे लोग को, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं अभी देखो वैसे गेम के अंदर तो कुछ आया नहीं कि इसको यूज कैसे करें, ऐसा कुछ मैंने चेक किया, ठीक है, बट बेसिकली गाइज लीक्स निकल के आ रही है जो रेड टोकन है ना आप लोग का, ये बेसिकली आप लोग का हाइपर बुक में यूज होने वाला है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हाइपर बुक हमारे गेम के अंदर आया, और बेसिकली जब आप लोग उसमें क्लिक करोगे तो ये लॉक दिखाएगा आप लोग को, और नीचे कमिंग सून दिखाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रैम्पेज हाइपर बुक है ना इसके अंदर जो रिवॉर्ड्स आएंगे तो बेसिकली उसको कुछ अपग्रेड करने का मतलब कुछ सीन है इसमें, बेसिकली हाइपर बुक से रिलेटेड वो रेड टोकन का कुछ काम है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसी लीक्स मेरे को निकल के आई है, ठीक है। पहले तो गाइजर कहा जा रहा है कि वो हाइपर बुक का ही इसके कुछ चांसेस है, जो 70-80% चांस है कि वो टोकन का आप लोग का 80% चांस है कि कुछ हाइपर बुक को अपग्रेड करने पे वो यूज़ होने वाला है, तो आप लोग वो कलेक्ट जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा गाइजर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस टोकन से हम लोग को कुछ रिवॉर्ड एक्सचेंज करने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दो मेन रीज़न आ रहे हैं, लेकिन जितना मेरे को लीक्स निकल के आए कि इसका कुछ बुक का कुछ ना कुछ तो काम है, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी गाइस वो आप लोग को पता लग जाएगा, ठीक है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं।